के अंदर। बढ़ते हैं आगे, बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावी बिगुल जब से फूका है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने, जब से हम देख रहे हैं कि सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं और फारूक अब्दुल्ला किश्तवाड़ के दौरे पर 4 दिवसीय हैं और फारूक अब्दुल्ला भी केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आपको याद होगा कि कैसे केंद्रीय मंत्री अमित शाह की तरफ से फारूक अब्दुल्ला के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था कि फारूक अब्दुल्ला ने हाथों में पत्थर थमा दिए हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला लोगों के बीच पहुंचकर ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, थिरकने का प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ नाचने का प्रयास कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। और ये जो जमावड़ा है लोगों का, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए है, ये बताने का प्रयास फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं। और फारूक अब्दुल्ला केंद्र सरकार को कहने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही बनेगी। और ये तस्वीर हम आपको किश्तवाड़ से दिखा रहे हैं, क्योंकि किश्तवाड़ के अंदर 4 दिवसीय दौरा फारूक अब्दुल्ला का है और फारूक अब्दुल्ला लोगों के साथ थिरकते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अपने अंदाज में सरकार पर तंज कसने का काम भी कर रहे हैं। सुनेगा फारूक अब्दुल्ला ने किस तरीके से अस्पतालों स्कूलों की बात की है केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए, फिर अपने संवाददाता के पास चलते हैं। सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ पे ये है कि भुखमरी है, बेकारी है, यहाँ मोबाइल काम नहीं करता, यहाँ पे हालत ये है इन गांव में डॉक्टर नहीं है, राशन नहीं है। इसके साथ साथ मैंने देखा कि बड़वा में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, एक डॉक्टर है, बताइए कैसे कैसे वो डॉक्टर कहाँ पहुंचेगा। इन 5 गांव में मैंने देखा कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, बताइए मुझे ये लोग कहाँ जाएंगे, और 4-5 महीने तो ये बंद हो जाएंगे। इसीलिए हम सरकार से गुजारिश करने वाले हैं कि इनके लिए फौरन हेलीकॉप्टर सर्विस करनी शुरू करनी चाहिए जब बर्फ शुरू हो जाए, और डॉक्टर हर गांव में होना चाहिए जिसको छोटे वक्त के लिए रखें कि उसको तब्दीली कर सकें और हेलीकॉप्टर से दूसरा डॉक्टर लाएं, और एडिशनल राशन इनको दिया जाए, क्योंकि जो राशन इनको मिल रहा है वो 2011 का सेंसस से मिल रहा है, आज 2022 है, लोगों की आबादी बढ़ गई है। साथ साथ सबसे अहम है कि यहाँ मरगन में टनल लगना चाहिए जिससे इनके लिए आसानी होगी साल भर वादी में पहुँचना, अस्पतालों के बड़े अस्पतालों में अपना इलाज कराना ये हो सकेगा। थे लेकिन हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं अजय शाह, उनका भी रुख कर लेते हैं किश्तवाड़ से, और वो आपको जानकारी देंगे कि आखिर कैसे लोगों के बीच पकड़ बनाने की कोशिश की जा रही है। अजय, क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों को देंगे, कब तक ये तस्वीरें नजर आएंगी और क्या मकसद फारूक अब्दुल्ला का है, क्योंकि केंद्र सरकार पर निशाना तो साधा जा रहा है लेकिन पहाड़ियों और अन्य लोगों के बीच पहुंचकर बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरीके से आगे आने वाले समय में आपका भला करने का काम करेगा। जी रहमत, देखिए जब से डिलिमिटेशन हुआ उसके बाद से, चाहे चुनाव खिता हो या पीर पंजाल या घाटी में, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं, और जिस तरह से किश्तवाड़ में पहले 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती थी अभी 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज कर दी गई हैं, उसके चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो अपना आधार है वो बढ़ाना चाहती है। अभी जो फारूक अब्दुल्ला जिस रीजन में थे पिछले 3 दिनों से, मड़वा वाड़वन, ये पसमांदा इलाका है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का, जो पहले किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ होता था और कहीं ना कहीं पहले बीजेपी से पहले एनसी इस पर काबिज थी। अभी इस इलाके को इंद्रवाल से साथ जोड़ दिया गया है जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड सीट बताई जा रही है, और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि यहां से भी वो जीत सकते हैं, और ये सेंध लगाने का प्रयास किया जा रहा है, और जो उनका वोट बैंक मड़वा वाड़वन में है उसको कंसोलिडेट किया जा रहा है। आज बेशक फारूक अब्दुल्ला पिछले 2 दिन से केंद्र सरकार को आड़े हाथे ले रहे हैं कि इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं नहीं है, सड़क संपर्क नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, कई दूसरी सुविधाओं का अभाव है, और उन्होंने यहां तक कहा है कि इस इलाके को फेयर वेदर यानी ऑल वेदर सड़क देने के लिए वो टनल का प्रपोजल लेके नितिन गडकरी के पास भी जाएंगे अपने दूसरे सांसदों के साथ। लेकिन वही जो विपक्षी दल हैं उनका ये कहना है, और जो लोग हैं वहां के वो कहते हैं कि अब जबकि चुनाव कभी भी हो सकते हैं उसको देखते हुए अब इनको
हमारी याद आई है, जबकि जब ये लोग सरकार में थे तब ये इस इलाके में मूलभूत सुविधा भी प्रदान नहीं कर सके। तो कहीं ना कहीं सबको लुभाने का प्रयास फारूक अब्दुल्ला की तरफ से किया जा रहा है, और जिसके लिए वो मशहूर हैं कि वो अपने लोगों के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं वो उसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे बच्चों के बीच में जाना, युवाओं के बीच में जाना, उनके साथ नाचना, लोकल ड्रेस पहन के लोगों के बीच जाना। तो कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला की कयादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन का जो एक मुहिम है आपने उसको तेज करती हुई नजर आ रही है। जी रहमत, आप मुझे हर्ष कह के संबोधित कर सकते हैं अजय, लेकिन सवाल मेरा एक और रहेगा कि जब पहाड़ियों की बात आती है, जब गुजर की बात आती है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दांव खेला है, संतुलन बनाने की कोशिश की है, लेकिन क्या पहाड़ियों के बीच जब फारूक अब्दुल्ला पहुंच रहे हैं तो बताने का प्रयास कर पा रहे हैं कि कैसे केंद्र सरकार जो बातें कह रही है उसके आप पीछे पीछे मत रहिए, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बातों पर रहिए, और यही अंदाज कहीं ना कहीं लोगों के बीच उन्हें खास बना रहा है। जी सॉरी हर्ष, ये जो फारूक अब्दुल्ला ने एड्रेस वहां पे किया है लोकल लैंग्वेज में भी यूज किया है और उर्दू में भी उन्होंने वहां पर खिताब किया है, उन्होंने यही कहा है वहां पर कि जो लोग वंचित हैं सुविधाओं से वो इकट्ठे हो जाएं, आपसी भाईचारा रखें। उनका ये भी एक संदेश आया है सामने कि लड़ने से कुछ नहीं होगा, इकट्ठा होने से ही क्षेत्र का विकास होगा, और उन्होंने अपने वर्कर्स से भी कहा है कि इकट्ठे हो जाएं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करें। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोग वहां पर वोट करते रहे हैं इस पहाड़ी क्षेत्र में, वो चाहते हैं कि उनको साथ दिया जाए और सरकार में जब वो आए तो उनको मूलभूत सुविधाएं और दूसरी सुविधाएं प्रदान की जाए। तो कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला जैसे मैंने पहला कि कनेक्ट करते हुए दांव पेच है जो हर एक पार्टी कहीं ना कहीं खेलने की कोशिश कर रही है, इसका आगे आने वाले समय में सियासी लाभ मिलेगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए, लेकिन